एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी के साथ दाल पिट्ठी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे दाल की दुल्हनिया, दाल पिट्ठी और भी बहुत सारे नाम से बुलाए जाते हैं। ये बहुत ही फुलफिलिंग एंड कंप्लीट मील है। इसके साथ आप कुछ और नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, और मजे की बात यह है कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ऑप्शन है। तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बिहार की बहुत ही फेमस डिश है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल पिट्ठी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्स दाल लिया है। इसमें मैंने राहर दाल, मसूर दाल और मूंग दाल तीनों का इस्तेमाल किया है। आप इसे चाहे तो केवल राहर दाल के साथ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम दाल को अच्छे से धो लेंगे। तो पानी डालकर इसे हमें अच्छे से मैश करके धो लेना है। दाल में बहुत सारी गंदगी होती है, तो ध्यान रखिए कि दाल हमें बहुत अच्छे से धोना है। और इसे अच्छे से मैश करके धो लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी ड्रेन कर लिया है, और अब हमें इसे प्रेशर कुक करना है। तो मैंने दाल को प्रेशर कुकर में डाल दिया है। साथ ही आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, और पानी डालकर इसे हमें प्रेशर कुक कर लेना है। जैसा हम नॉर्मल दाल बनाते हैं ना, हमें सेम वैसे ही करना है। तो बस इसका हमें नॉर्मल सा दाल बना लेना है। तो जब तक दाल कुक हो रही है, हम पिट्ठी के लिए आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें अब हम आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी को हम इस तरीके से क्रश करके डाल देंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 चम्मच हम घी डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि सभी चीज़ों का फ्लेवर आपस में बैलेंस हो जाए। और अब हम पानी डालते हुए इसका डो लगा लेंगे। रोटी बनाने के लिए जैसा हम डो लगाते हैं, हमें सेम वैसा ही लगाना है। बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। तो ये देखिए, हमारी डो जो है वो बनकर रेडी है। ये ना ही तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही तो बहुत सॉफ्ट है, तो एकदम परफेक्ट डो रेडी है। अब हम चलते पिट्ठी बनाने की तरफ। उसके लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज का लोई लिया है, और बस इसे अच्छे से हम चिकना कर लेंगे। और बस इसे हमें रोटी के जैसा बेल लेना है। बस रोटी से आप थोड़ा सा बड़ा बेल सकते हैं, और थोड़ा सा मोटाई भी आप इसकी ज़्यादा रख सकते हैं। और बस इसे घुमाते हुए अच्छे से बेल लेना है। अब हम इसमें कट लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे छोटे वाले ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे कटोरी या किसी भी चीज़ से सर्कल में कट कर ले। तो ये देखिए, मैं इसमें अच्छे से कट लगा लूँगी। मैं ट्राई कर रही हूँ इसमें जितनी ज़्यादा पीसेस निकल सके। तो यहाँ पे मेरी 6-7 पीसेस तो निकल गई है, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम हटा लेंगे। और बस हमें इसमें 4 जॉइंट्स को लेने हैं, और उसको आपस में इस तरीके से पिंच कर लेना है। ये देखिए, पिट्ठी बनाने के भी सबके अपने अपने तरीके हैं। आपका जैसा तरीका है आप वैसे बना सकते हैं। आप इसे 3 फूल वाले भी बना सकते हैं, 4 फूल वाले भी बना सकते हैं। हमेशा से मैं ऐसे बनाते आई हूँ, तो मुझे इस तरीके से आदत है। तो यहाँ पे पिट्ठी या इसे दाल की दुल्हनिया जो भी कहिए वो तैयार है। तब हम दाल को चेक कर लेते हैं, मतलब दूल्हे राजा को चेक कर लेते हैं। तो दाल भी अच्छे से कुक हो गया है। अब हम चलते तड़का लगाने की तरफ। तो मैंने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा तेल गरम किया, उसमें 2 तेज पत्ता डाल दिया है, 1 सूखी लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई, और पिंच ऑफ हिंग। आप इसमें हिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 3 से 4 हरी मिर्च को हम लंबाई में कट करके डाल देंगे। साथ ही 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरीके से रफली कट करके डाल दिया मैंने, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और प्याज का कलर चेंज होने तक इसे हम भून लेंगे। तो ये देखिए, प्याज का कलर धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया है, मतलब प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसी स्टेज पर हम यहाँ पे 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे डालकर 1 मिनट तक जरूर भुनें। तो जब भी मैं अदरक और लहसुन को डालती हूँ, तो मैं उसमें ढक्कन लगा देती हूँ ताकि उसका जो फ्लेवर है वो अंदर तक ही रहे। तो बस इसमें ढक्कन लगाकर हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर भी डाल देंगे। और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देंगे। पानी डालकर इसे अच्छे से भून लेना है। तो जब भी आप सूखा मसाला डालें तो साथ में पानी डाल दें, इससे मसाले जलेंगे नहीं और मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो बस इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैंने फ्लेवर के लिए सारे मसाले का इस्तेमाल किया है, बट इसकी क्वांटिटी जो है बहुत ही कम रखी है मैंने। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें इसमें मसाले का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और बस इसे अच्छे से हमें भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लगभग 5 मिनट तक इसे भून लिया है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट करके डाल देंगे, साथ ही नमक डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और बस इसे अच्छे से मिला लेंगे, और ढककर इसे टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया है, और 5 मिनट तक इसे सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, और मसाले भी एकदम परफेक्ट भुन गए हैं। तो अब हम इस स्टेज पे दाल डाल देंगे। तो ये मैंने दाल इसमें डाल दिया। यहाँ पे दाल की कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी है, तो इसे एडजस्ट करने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे।
तो पहले हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं मसाले के साथ, और इसके बाद इसमें हमें पानी डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी हमें एकदम पतला चाहिए। तो ये देखिए एकदम पतली कंसिस्टेंसी में हो गई है, और अब हमें इसे अच्छे से मिलाकर इसे ढककर बॉईल आने तक इसे कुक करना है। तो बस इसका ढक्कन लगाया मैंने, और 2 मिनट बाद देखिए यहाँ पे दाल में अच्छी उबाले आ गई है। तो ये देखिए दाल कितनी अच्छे से उबल रही है। अब हम इसमें सारी पिट्ठियाँ डाल देंगे, तो एक एक करके मैं सारी पिट्ठी को डाल दूंगी इसमें। पिट्ठी दाल में जाते ही वो फूलने लगेगी और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारी पिट्ठी को डाल दिया है, और अब हम इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे और ढककर इसे अच्छे से 10 मिनट तक हमें कुक कर लेना है। तो 10 मिनट बाद आप इसे एक बार चेक कर लें। तो यहाँ पे दाल पिट्ठी जो है हमारी अच्छे से कुक नहीं हुई है, तो अब इस स्टेज पर हम इसमें नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच के करीब नमक डाल दिया है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। तो नमक हमने पहले दाल में भी डाला है, तो आप इसी हिसाब से नमक डालें, और इसे ढककर हमें 10 मिनट तक इसे कुक कर लेना है। तो 10 मिनट बाद आप ढक्कन हटाएं और इसे चेक कर लें, और यहाँ पे जो दाल पिट्ठी हमारी वो अच्छे से कुक हो गई है। तो इसे अब हम हल्के हाथों से मिला लेंगे। यहाँ पे एक पिट्ठी को हम तोड़ के देख लेते हैं कि अच्छे से कुक हुई है या नहीं। ये देखिए परफेक्टली कुक हो रखा है। तो लास्ट में इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे, और लास्ट में इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। और बस इन सब को अब हम अच्छे से मिला लेंगे, और यहाँ हमारी दाल पिट्ठी जो है वो बनकर रेडी है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम्फर्ट फूड है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको ये थोड़ी फीकी फीकी लग रही है, तो आप इसमें एक तड़का भी लगा सकते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक तड़का पैन गरम कर लिया है, उसमें हम सरसों तेल डाल देंगे, और आधी छोटी चम्मच के करीब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, एक सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। और इन सब के कड़क जाने पर हम तेल को ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद इसमें हम आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, और बस इसे अब हमें दाल पिट्ठी के ऊपर डाल देना है। इससे थोड़ा सा फ्लेवर और इन्हांस हो जाता है, तो आप इसे डाल सकते हैं, या अगर आपका मन नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और बस इसे मिला लें, और ये हमारी बहुत ही कम्फर्ट और बहुत ही डिलीशियस फूड बनकर रेडी है। ये देखिए परफेक्ट दाल पिट्ठी बनकर हमारी रेडी है। आप इसे चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में ये और भी आसानी से बन जाएगी। तो मैं यहाँ आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही है, तो आप इसे थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। ये बहुत ही फुलफिलिंग, हेल्दी और टेस्टी डिश है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वैसे तो ये सिंपल ही इतनी अच्छी लगती है कि आपको इसके साथ किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आपको इसके साथ कुछ चाहिए तो आप इसमें आलू का चोखा, अचार और पापड़, ये कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। इसके साथ तो ये और भी गजब की लगती है। तो आप एक बार इस डिश को ज़रूर बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।